गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। आज मैंने बनाया था छोले, सिंपल सा बना दिया था और बच्चों को भी वही दे दिया है। लंच पैक कर दिया है बच्चों का और बच्चों को भी स्कूल पहुंचा के आ गई हूँ। और अभी मैं हस्बैंड के लिए लंच पैक कर दे रही हूँ। रोटी वोटी बना लिया है, ऐसे जिसमें मैंने छोले रखा था वो वाला टिफ़िन मैं चेंज कर रही हूँ। इसमें ऐसे तरी गिर जाता है और जो ये हम ले आए थे मॉल से मिला था गिफ्ट, उसमें दे रही हूँ। छोटा सा बाउल है, प्यारा सा। इसमें आज देखते हैं, रुको, तारी गिरता है कि नहीं। पहली बार ले जा रहे हैं ऐसे, सही है, सिंपल सा है, प्यारा सा मेरा, इजीली टाइट हो जाता है, ढक्कन सही से लग जाता है। आज भी जब हम स्कूल से आ रहे थे बारिश हो रही थी, बड़ा सा छतरी लेके गए थे, फिर भी थोड़ा बहुत गीला हो गया। ज्यादा बारिश नहीं हो रहा था, ऐसे पुसपुस वाली बारिश हो रही थी। जैसे तैसे हम घर पहुंच गए और इन दोनों चेंज वगैरह कर लिए थे और इन दोनों को खाना था छोले रोटी। घर आने के बाद भी छोले रोटी, स्कूल में भी छोले रोटी, है ना? दोनों खा रहे हैं आज तो। बच्चों को और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया छोले। रोज तो टाइम लगा के बनाते थे लेकिन पसंद नहीं आता था, ऐसे बनायो वैसे बनायो, जैसे तैसे बना दिया था और इन लोगों को बहुत पसंद आया। इधर मैंने नमकीन चावल चढ़ा दिया है छोले के साथ खाने के लिए। और डोली परी दोनों ने आज तो लंच फिनिश कर दिया है। येरा छोले रोटी दिया था, छोले उन दोनों को बहुत पसंद आया। स्लेब ऐसे हम लोगों ने बेड में रख दिया था, बेड के नीचे, हटाना भी नहीं पड़ेगा और अच्छा से सेफ रहेगा करके। और आज मैं लगा दे रही हूँ, निकाल ले रही हूँ पहले। ऐसे डबल बेड ना, बॉक्स वाला, ऐसे सही भी है और इधर उधर हटाने के टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। इस बार जब हम पेंट कर रहे थे ना बहुत दिक्कत हुआ था इसको, मतलब हटाना ही नहीं हो रहा था, इधर उधर से कसका के देख रहे थे। और नीचे ईंट लगाया था, ईंट भी हटा दिया, झाड़ू करना नहीं होता है करके मैंने लगाया था ईंट, हस्बैंड के साथ ही मिलकर लगाए थे ऐसे, लेकिन अब ईंट हटा दिया है, अब झाड़ू करना बिल्कुल भी नहीं होता अंदर। ये रहा मैं स्लैब सब निकाल ले रही हूँ, फिर मैं लगा दूंगी। ऐसे डबल बेड हम बीच में बिछाने के लिए देख रहे थे लेकिन जगह बहुत कम बचता है, ऐसे बीच में बिछाओ तो दोनों तरफ से झाड़ू लगाना बन पाता है सही से। बारिश स्टार्ट हो गई है, ये रहा आज भी खूब तेज बारिश हो रही है, जमाजम। कपड़े ऐसे सूख गए हैं, मैंने अंदर कर दिए हैं थोड़े बहुत, ये सब हवा से सूख जाएंगे। ये रहा स्लेब सबको मैं पोंछ ले रही हूँ, गंदा तो नहीं है, ऐसे साफ करके रखा था। कुछ कुछ थोड़े बहुत लंबे हैं और कुछ कुछ तो छोटे वाले हैं। इसमें मैं लगा के देख रही थी, नट थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, टाइट है, अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ, इसमें ऐसे नट नहीं लगा है। ये रहा मैंने ला के रख दिया था, पर्दे बेडशीट और सोफा कवर वगैरह सूख गए हैं, ये सबको मैं अभी लपेट के रख दूंगी। खाना वाना खा लिया था और आराम कर लिया था कुछ देर। और डोली परी बोल रहे थे कि मम्मी नेल्स काट दो, नेल्स बड़े बड़े हो गए हैं, ऐसे हफ्ते में करते हैं ऐसे, लेकिन इस बार मैं भूल गई और छोटे छोटे भी थे तो मैंने नहीं काटा ना कौन दोनों के, मैं अभी काट दे रही हूँ, दोनों का बड़े बड़े हो गए हैं। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।